नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ पर। दोस्तों, बिलावल भुट्टो जो हैं आजकल काफ़ी खबरों में हैं। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो काफ़ी नीचे लेवल पर चले गए थे। लेकिन बिलावल भुट्टो जो है अमेरिका में पहुँचे तो वहाँ पर भी उनको ज़बरदस्त बेइज्जती का सामना करना पड़ा, और ये बेइज्जती इतना ज़्यादा हुई कि उन्होंने खुद को गधा तक कह दिया। क्या है पूरा मामला वो आपको बताते हैं। दरअसल बिलावल भुट्टो ने जो है एंटनी ब्लिंकन जो है उनसे मुलाकात करने के लिए वक्त मांगा था, लेकिन उन्होंने उन्हें वक्त ही नहीं दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया में बिलावल भुट्टो की काफ़ी किरकिरी हो रही है। इससे पहले खबरें ये भी आई थी बिलावल भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वो खुद को गधा बताते हुए नज़र आ रहे हैं। वजह क्या है वो बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान की जो हालत है, बाढ़ की वजह से या दूसरी वजहों से पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ख़राब है, जिस वजह से बिलावल भुट्टो पर ये सवाल उठते हैं कि इतने खस्ता हाल पाकिस्तान के विदेश मंत्री होने के बावजूद वो आजकल इतनी ज़्यादा विदेश यात्राएं क्यों कर रहे हैं। इन सवालों की वजह से लोकल पॉलिटिक्स में बिलावल भुट्टो बुरी तरीके से घिरे हुए थे। जो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं या कई जो बुद्धिजीवी हैं पाकिस्तान के, वो लगातार बिलावल भुट्टो के विदेशी दौरों पर सवाल उठा रहे थे। इन्हीं सवालों से परेशान बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे इस तरह के सवाल पूछे गए, तो इन्हीं सब सवालों से बौखलाए बिलावल भुट्टो ने कुछ ऐसा कहा जिसकी कल्पना या जिसकी उम्मीद जो है शायद वहाँ बैठे लोगों को नहीं थी। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि वो जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री के तौर पर जो भी दौरे कर रहे हैं, उन दौरों का सारा खर्चा वो खुद उठा रहे हैं। उनके रहने खाने सोने पीने जो भी खर्चा हो रहा है, वो सारा का सारा खर्चा वो अपनी पॉकेट से कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री तो बिलावल भुट्टो हैं, लेकिन आने जाने का ट्रिप का जो भी खर्चा हो रहा है वो बिलावल भुट्टो अपनी जेब से कर रहे हैं, ऐसा दावा बिलावल भुट्टो ने किया है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने यह कहा है कि इन दौरों से जो वो दौरे कर रहे हैं, इनसे इन पर खर्चे तो वो कर रहे हैं, लेकिन इन खर्चों से उनका निजी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि इसका फ़ायदा तो पाकिस्तान को ही हो रहा है। यानी साफ तौर पर उन्होंने अपने इस बयान को डिफेंड करने के लिए कोशिश की कि मैं जो खर्च कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, उससे मेरा कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है। जो कहे कि बिलावल भुट्टो जो घूमने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, ये ना कहकर उन्होंने कहा कि इन दौरों से जो खर्चा कर रहा हूँ उस खर्चे से फ़ायदा तो पाकिस्तान का ही हो रहा है। और इसी बीच उन्होंने कहा कि इतना खर्चा करने के बाद भी ये लोग मुझसे गधों की तरह काम कराते हैं। तो गधों की तरह काम कराते हैं, ये बिलावल भुट्टो की इस बयान की काफ़ी कॉमेडी हो रही है, या कहें काफ़ी लोग ट्रोल कर रहे हैं उन्हें लेकर, क्योंकि इसे एक विदेश मंत्री के तौर पर उनकी ज़ुबान के फिसलने के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले भी उनकी ज़ुबान जो है फिसली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में, जब उन्होंने कहा था गुजरात को जोड़ते हुए गुजरात का बुचर उन्हें कह दिया था, तब भी उनकी काफ़ी किरकिरी हुई थी कि अगर कोई नजम सेठी जो है पाकिस्तान में, उन्होंने भी कहा था, अब्दुल बासित जो है उन्होंने भी कहा था कि अगर कोई आम इंसान या आम पाकिस्तानी नागरिक इस तरह की बात कहता है जो कि पोस्ट पर नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन एक विदेश मंत्री होने के नाते बिलावल भुट्टो को शायद इस स्तर तक नहीं जाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल यही है कि बिलावल भुट्टो ने खुद को एक बार फिर से गधा बता दिया है, और उनका गधा कहना जो है, उनका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।